यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना अरेस्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर सीआईडी ऑफिस लाया गया, आज किया जाएगा कोर्ट में पेश। यौन उत्पीड़न की खबर आने के बाद भाग गए थे विदेश, अब तक रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के दो मामले दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक रेवन्ना ने पहले जर्मनी से आने के बाद दो बार टिकट रद्द कराए। रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद सीआईडी ऑफिस के बाहर कड़ी सुरक्षा, अरेस्ट के बाद यहीं पर रेवन्ना को लाया गया। रेवन्ना पर उनके घर पर काम करने वाली महिला ने लगाए थे आरोप, यौन उत्पीड़न के आरोप की पुलिस कर रही है जांच। प्रज्वल ने किया था एसआईटी जांच में सहयोग का वादा, कर्नाटक राज्य महिला आयोग का वीडियो की जांच के आदेश, कई महिलाओं का यौन शोषण करते हुए रेवन्ना का वीडियो होने का दावा। पिछले हफ्ते कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री को लिखी थी चिट्ठी, पासपोर्ट रद्द करने के लिए शीघ्र और आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह। प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने पर विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रज्वल रेवन्ना के जवाब के बाद होगी कार्यवाही, विदेश मंत्रालय 23 मई को भेज चुका है कारण बताओ नोटिस। करीब एक महीने बाद बर्लिन से वापस लौटा है प्रज्वल रेवन्ना, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए भागा था विदेश, प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट जब्त किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें कर्नाटक सरकार से 21 मई को एक अनुरोध मिला, 23 मई को प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की। प्रज्वल रेवन्ना को 10 दिन में देना है जवाब, इसके बाद विदेश मंत्रालय शुरू करेगा कार्यवाही। हासन में लोकसभा चुनाव के मतदान के एक दिन के बाद विदेश गए थे प्रज्वल रेवन्ना। गिरफ्तारी के खिलाफ विभव कुमार की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, विभव की पुलिस हिरासत आज खत्म होगी, 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा। विभव की याचिका में गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की अपील, उचित मुआवजे गिरफ्तारी का निर्णय लेने में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की भी मांग। बीते सोमवार को सत्र अदालत खारिज हो चुकी विभव की याचिका, कोर्ट ने कहा था ऐसा लगता है कि मालीवाल की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई पूर्व नियोजित मंशा नहीं थी। हिमाचल के कुल्लू में अंतिम चरण के लिए वोटिंग के लिए गुरुवार को 570 पोलिंग पार्टीज मतदान केंद्रों के लिए रवाना, जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं 575 मतदान केंद्र। बनारस के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में श्रद्धालु और मतदाताओं के लिए खास अपील, 1100 दीपों से लिखा 100% वोट करें। आज आंध्र प्रदेश और गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सुबह तिरुपति बालाजी में दर्शन करेंगे, शाम को गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका स्वागत हुआ, आज तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे, चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। तमिलनाडु के श्री सत्यगिरिनाथ पेरुमल मंदिर में गृह मंत्री ने पूजा अर्चना की, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भगवान विष्णु राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी की ध्यान साधना, 45 घंटे तक करेंगे मेडिटेशन। पीएम मोदी ने की भारी संख्या में वोटिंग की अपील, कहा 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनाना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर पार्टी कार्यकर्ताओं को जताया आभार, लिखा संविधान और संस्थाओं को बचाने के लिए बिना झुके खड़े रहे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इंडिया अलायंस के पक्ष में बहुमत को लेकर आश्वस्त, इंडिया गठबंधन जा रहा 300 के पार। एलजेपी राम विलास प्रमुख चिराग पासवान का बड़ा दावा, बोले चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। मऊ में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने किया दावा, इस बार यूपी की सभी 80 सीटें जीतकर रचेंगे इतिहास। केजरीवाल के वजन से जुड़े आंकड़े आए सामने, सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ में बंद रहने के दौरान 1 अप्रैल को 65, 29 अप्रैल को 66 और 9 मई को 64 किलो था केजरीवाल का वजन। आम आदमी पार्टी ने किया था दावा, तिहाड़ जेल में कम हुआ है केजरीवाल का 7 किलो वजन, इतना वजन कम होने पर किसी बड़ी बीमारी का इशारा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। आप नेता आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही बीजेपी, ईडी केजरीवाल के इलाज कराने का क्यों कर रही विरोध। ईडी के विरोध पर आप नेता आतिशी ने किया दावा, ये ईडी का विरोध नहीं बीजेपी की साजिश है, केजरीवाल को कैंसर किडनी और हार्ट की जांच करानी है। राजस्थान में गाली गलौज का आरोप लगाकर फंसे
बीजेपी विधायक जसवंत यादव। जसवंत के आरोप के जवाब में पूर्व विधायक ने जारी किया वीडियो, वर्तमान विधायक जसवंत खुद गाली गलौज करते दिखे। बीजेपी विधायक जसवंत ने पूर्व विधायक बलजीत यादव पर लगाया था गाली गलौज का आरोप, जवाब में बलजीत ने सोशल मीडिया में जारी किया वीडियो। जयपुर में रास्ते पर लिखे मिले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, जयपुर पुलिस कमिश्नर से मिले विधायक बाल मुकुंद, वीडियो डालने पर विधायक को मिल रही थी जान से मारने की धमकी। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जयपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, कहा पिछले 5 महीने से मिल रही है सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन, केजरीवाल के खिलाफ करेगी प्रोटेस्ट, सुबह 11 बजे आईटीओ के शहीदी पार्क पर इकट्ठा होंगे बीजेपी नेता। भोपाल के एक साईं भक्त का दावा, पीएम मोदी के तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा, 3100 किलो खिचड़ी का साईं बाबा को लगाया भोग। बिहार के मनेर के लड्डुओं की अचानक बढ़ गई डिमांड, 4 जून को जीत का जश्न मनाने के लिए मनेर के लड्डू का ऑर्डर देने वाले नेताओं की भीड़ से लड्डू विक्रेताओं की चांदी। किर्गिस्तान में विदेशी छात्रों पर हमले का मामला, विदेश मंत्रालय ने कहा किर्गिस्तान की हालात सामान्य, जानकारी मिलते ही भारतीय दूतावास तुरंत हरकत में आया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैंची धाम में की पूजा अर्चना, कहा यहां आकर अभिभूत, ये देवभूमि है। उत्तराखंड के एक दिन के दौरे पर थे उपराष्ट्रपति। 4 धाम यात्रा में अब तक 14 लाख श्रद्धालु पहुंचे उत्तराखंड, 10 मई से शुरू हुई थी यात्रा। डीजीपी ने कहा कोविड के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए। डीजीपी की उत्तराखंड आ रहे सभी यात्रियों से अपील, बिना रजिस्ट्रेशन के वो ना आए उत्तराखंड। डीजीपी ने माना कि शुरुआती दौर व्यवस्थाएं पटरी से उतरी, लेकिन अब पुलिस पूरी तरह से तैयार। जम्मू के अखनूर में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस गहरी खाई में गिरी, 22 लोगों की मौत, 60 लोग गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर में हुए हादसे का शिकार बस नजर आई, अलीगढ़ के 45 यात्री इसमें थे। इगलास क्षेत्र के नया गांव के 11 लोग, मृतकों के परिजनों से मिले अधिकारी, हर संभव मदद का आश्वासन। जम्मू के अखनूर में हुए बस हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। ओडिशा के पुरी में चंदन यात्रा के दौरान हादसे में मरने वालों की बढ़ी संख्या, पटाखों के ढेर में विस्फोट से 4 लोगों की मौत, 35 लोग घायल, सीएम नवीन पटनायक ने दुर्घटना पर जताई चिंता। आज कोर्ट में होगी मनीष सिसोदिया की पेशी, दिल्ली शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है सिसोदिया, ईडी से जुड़े मुख्य मामले में भी आज कोर्ट में सुनवाई। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई, अपनी अतिरिक्त दलीलें पेश करेगा मुस्लिम पक्ष, सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुरक्षित रख सकती है अदालत। होटल व्यवसायी जया शेट्टी मर्डर मामले में गैंगस्टर छोटा राजन दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, साल 2001 में हुई थी होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या। आजम खान को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 14 लाख का जुर्माना भी लगाया। डूंगरपुर मामले में एसपी एमएमएलए कोर्ट का ये फैसला, एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला। हरदोई में दूसरे समुदाय के शख्स ने युवक को मारी गोली, हुई मौत, पीड़ित परिवार का आरोप बीजेपी को वोट देने से नाराज, हमलावर था, पुलिस का पोल वायलेंस की घटना से इनकार। हरदोई पुलिस का पोल वायलेंस को लेकर बात आई है सामने, इससे किया इनकार, दो समुदाय के बीच का मामला होने का कारण इलाके में तनाव बताया गया। राजकोट के गेमिंग जोन अग्निकांड का मामला, क्राइम ब्रांच ने राजकोट के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में गायब 3 छात्राओं की मथुरा से मिली लाश, आगरा रेल लाइन पर ट्रैक पर मिली लाश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए डबल मर्डर केस में खुलासा हुआ, पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़की को हरिद्वार से किया अरेस्ट। जबलपुर मार्च महीने में पिता और पुत्र की हत्या, लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी पिता और भाई की हत्या। मेरठ में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई, एक शख्स ने अपनी पत्नी पर पेचकस से 20 से ज्यादा वार की। मेरठ में पति पत्नी के बीच अक्सर होता था विवाद, वारदात से पहले भी दोनों के बीच हुई थी कहा सुनी। मध्य प्रदेश के मुरैना में टीआई को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई, जांच करने पहुंची माइनिंग टीम पर हमला किया गया। चंबल कमिश्नर को काफी समय से मिल रही थी शिकायत, खनन माफिया खुलेआम मंडी लगाकर कर रहे थे खनन सामग्री की अवैध बिक्री।
बिहार के सीतामढ़ी में दबंगों ने युवक को किया अगवा, लड़के को लेकर फायरिंग करते फरार हुए बदमाश। देहरादून में गुप्ता बंधुओं के आवास पर जांच, बिल्डर सुसाइड केस में LIU टीम का ये पूरा मामला। लखनऊ पुलिस ने बरामद किए 100 से ज्यादा मोबाइल, सर्विलांस टीम ने 4 महीने की मेहनत के बाद रिकवर किए लोगों के गुम हुए मोबाइल। हरियाणा के कैथल के कलायत में शमशान भूमि के मेन गेट पर खड़ी कार में हुआ धमाका, कार में बैठे पूर्व सरपंच रमेश कुमार की मौत। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया गर्मी का येलो अलर्ट, आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री पहुंचने की उम्मीद। राजस्थान के चूरू जिले में गर्मी का सितम, सुबह 11 बजे तक तापमान पहुंच जाता है 42 डिग्री के पास। भीषण गर्मी को लेकर दिल्ली के RML अस्पताल में इंतजाम किए गए, हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। झांसी में भीषण गर्मी का सितम, खेत में काम करते समय लू लगने से 2 लोगों की मौत का दावा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गर्मी का सितम, लू लगने से हुई 2 बच्चों की मौत। कानपुर देहात में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पापड़ तलने का अनोखा वीडियो, तेज धूप में कढ़ाई में तेल डालकर पापड़ तल रहा एक युवक। पानी की किल्लत से जूझ रहे राजधानी दिल्ली के कई इलाके, पानी के टैंकर के लिए घंटों तक इंतजार कर रहे हैं लोग। राजस्थान के बांसवाड़ा में व्यापारी ने पेश की इंसानियत की मिसाल, भीषण गर्मी से राहत देने के लिए गाय के लिए लगाया कूलर। मुरादाबाद में बिजली विभाग ने निकाली अनोखी तरकीब, ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए लगाए गए कूलर। बिजनौर के नरेलीपुर बकराबाद गांव में साधु की तपस्या, 10 मई से आग के बीचों बीच बैठकर कर रहा था तपस्या, 40 दिन तक अग्नि साधना करेंगे साधु। केदारनाथ धाम में गुरुवार को बदला मौसम का मिजाज, बारिश होने से मौसम सुहावना हुआ। मई महीने के आखिरी में रोहतांग पास में बर्फबारी के बीच पर्यटक कर रहे मौज मस्ती। रिमल तूफान से प्रभावित लोगों की मदद में जुटी भारतीय सेना, असम राइफल्स की टीम। सेना और असम राइफल्स ने मदद की अपील मिलते ही 1 घंटे के भीतर शुरू किया रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। चक्रवात रेमल की वजह से मणिपुर में आई बाढ़, 31 मई तक सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। असम में बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात, राज्य के 9 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में बाढ़ प्रभावित 9 जिलों में पहुंचाई जा रही मदद, 110 राहत शिविर और वितरण केंद्र स्थापित किए गए। केरल और पूर्वोत्तर में मॉनसून ने दी समय से पहले दस्तक, उत्तर भारत में अभी करना होगा मॉनसून का इंतजार। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हादसा, टक्कर में एक गाड़ी पुल से नीचे गिरी। गुरुग्राम के मानेसर में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप, लाखों का माल जलकर खाक। गुजरात के नवसारी में आग का कहर, फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। यूपी में भी कई जगहों पर आग का कहर दिखाई दिया, अलीगढ़ के जवाहर पार्क एरिया में आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया।